हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। हेलो गाइस, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनप्पुरम फाइनेंस शेयर के बारे में। तो आने वाले टाइम में कौन से लेवल उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहां से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए टारगेट काम कर सकता है, तो उन सारे लेवल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट मनप्पुरम फाइनेंस शेयर के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो गाइस, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं मनप्पुरम शेयर के चार्ट के ऊपर। तो अभी जैसे जो लास्ट मार्केट जो क्लोज हुई है, इसने क्लोजिंग दी है 120.95 रुपए पे। तो मुझे क्या लगता है, अगर ये थोड़ा नीचे आता है ना, जैसे इस लेवल पे आता है, जैसे 117 रुपए के आसपास आता है, तो हमारी एंट्री इसके अंदर बना सकते हैं अपनी। तो 117 रुपए पे हमारी एंट्री होगी, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में। तो मेरी एंट्री होगी 117 पे, और 117 से अगर ये नीचे आता है लगभग 115 और 114 रुपए के आसपास अगर आता है, तो कुछ क्वांटिटी इसके अंदर और एड ऑन कर सकता हूँ। तो मेरी एंट्री सेकेंड हो गई यहाँ पे। उसके बाद इसके लिए हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस ये वाला लेवल एक अच्छा खासा मुझे स्टॉप लॉस लग रहा है, मतलब 12.30 रुपए के आसपास, या फिर 12.20 रुपए कर लो आप इसको, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर मार्केट हल्की सी गैप डाउन हो जाती है ना, तो हो सकता है ये लेवल टूट जाए यहाँ से। तो हम सबसे ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस क्या करेंगे ना, ये वाला लेवल करेंगे, ये एक ट्रैप लेवल होगा हमारे लिए, मतलब 111 रुपए का लेवल। तो मैं इस स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे डबल टॉप पे यहाँ पे एंट्री करूंगा, मतलब पहली 117 पे, उसके बाद 115 पे, और अगर बाई चांस अगर चांस मिल गया ना, तो 114 रुपए के आसपास भी इसके अंदर मैं एंट्री करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टारगेट की। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पे शेयर करता हूं, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। तो जो टारगेट मेरे को लग रहे हैं ना आने वाले टाइम में, पहला टारगेट तो मुझे ये होगा अभी 124 रुपए का। तो 124 रुपए का पहला टारगेट होगा, टारगेट में करते हैं ग्रीन कलर में, 124 का पहला टारगेट होगा। अगला टारगेट मेरा ये होगा 128 रुपए के लिए, फिर अगला टारगेट मेरा यहाँ पे होगा 130 रुपए के लिए, 130 31 जो भी है। उसके बाद जो आने वाले टाइम पे अगर मार्केट ने सपोर्ट किया ना, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक भी जाएगा, लगभग 139 146 152 157, और उसके बाद 166 भी जा सकता है। तो दोस्तों, इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप मनप्पुरम फाइनेंस में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाई चांस अगर ये यहाँ से जैसे बहुत अच्छी खासी इसके अंदर करेक्शन आई है अभी, जैसे आप देख पा रहे होंगे लगभग नवंबर के अंदर इसने एक अच्छा खासा अपना हाई बनाया था लगभग 218 रुपए का, और वहां से इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है, और वहां से मतलब यहाँ पे जनवरी फरवरी आते आते ना, इसने अपना लगभग शेयर आधा से भी कम हो चुका है। तो अगर इसके अंदर गिरावट अभी भी फिर से दोबारा अगर कंटिन्यू रहती है ना, तब ये शेयर कहाँ जा सकता है। तब मुझे लगता है ना, ये शेयर कम से कम ये यहाँ तक इसको आना चाहिए, लगभग 90 से लेके 93 रुपए के बीच में आना चाहिए शेयर को। तो पोजीशन बनाने से पहले स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट ने करेक्ट किया ना यहाँ से और इसको सपोर्ट नहीं मिला किसी चीज का, तो डेफिनेटली ये इन सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ 93, 90 या फिर 87 के आसपास भी जा सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा यहाँ से अभी अच्छी खासी बाइंग आई है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में आई है, तो मुझे लग रहा है ये सारे कुछ जो टारगेट है वो अचीवेबल है, मतलब 124, 128, 130 और 140 रुपए के आसपास डेफिनेटली इसको जाना चाहिए। तो ये थी मेरी रिसर्च मनप्पुरम फाइनेंस शेयर के ऊपर। होप ये जो भी लेवल आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आपको जरूर समझ में आए होंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पे शेयर करता हूं, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। वहां पे जाके आप हमारा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। होप गाइस आप उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे, और जैसा प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं वैसा आप टेलीग्राम पे भी देंगे। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।